देश में कोरोना की रफ्तार डराने लगी। एक दिन में 10,956 केस बढ़े, 396 मरीजों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,97,535 तक पहुंचा। अब तक 8,498 की मौत। बीते 24 घंटे में 6,166 मरीज स्वस्थ हुए। कोरोना को अब तक 1,47,195 लोगों ने दी मात। कोरोना के बढ़ते केस के बीच प्रधानमंत्री मोदी फिर करेंगे मुख्यमंत्रियों से बात। 16 और 17 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी चर्चा। 16 जून को प्रधानमंत्री पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड और झारखंड के मुख्यमंत्रियों से कर सकते हैं बात। 17 जून को महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से होगी बात। महाराष्ट्र में कोरोना फुल स्पीड में, 24 घंटे में 3,493 नए केस, 127 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना केस 1,00,000 के पार, अब तक 3,717 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 1,366 नए मरीज आए, 90 की मौत। अब तक मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 55,450 के पार। शहर में 2,044 मरीजों की मौत। उद्धव सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि। महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ित होने वाले तीसरे मंत्री। मुंबई पुलिस में जारी है कोरोना का कहर। दो दिन में सामने आए 120 नए मामले, 2,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित। अहमदाबाद बना कोरोना का डेथ स्पॉट। गुजरात में पिछले एक हफ्ते में 309 मौत, अकेले अहमदाबाद में 250 मौत। गुजरात में कोरोना से मृत्यु दर 9.16% जबकि केवल अहमदाबाद में मृत्यु दर 10.27%। बीते 10 दिनों में गुजरात में कोरोना से 309 लोगों ने दम तोड़ा, इनमें 250 मौतें सिर्फ अहमदाबाद में हुई। गुजरात में कोरोना के मामले 22,000 के पार, अब तक 1,385 मरीजों की मौत, करीब 15,000 मरीज स्वस्थ हुए। तमिलनाडु में कोरोना 40,000 के पार पहुंचा, एक दिन में 1,982 नए केस दर्ज, अब तक 367 की मौत। दिल्ली में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 2,137 नए मामले, 36,824 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना ने ली रिकॉर्ड 71 लोगों की जान, अब तक 1,214 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में कोरोना की हालत पर केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। पूछा, क्यों कम हो रही है टेस्टिंग? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अस्पतालों की हालत को बताया भयानक। कहा, मौत के बाद वक्त पर परिजनों को नहीं दी जा रही सही जानकारी, शवों की सही देखभाल नहीं। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लॉकडाउन से झाड़ा पल्ला। स्वास्थ्य मंत्री बोले, केंद्र से लॉकडाउन की नहीं करेंगे सिफारिश। दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों को सैलरी न मिलने पर हाईकोर्ट सख्त। एमसीडी को एक सप्ताह के अंदर तनख्वाह देने का फरमान। दिल्ली में लगातार बढ़ रही कंटेनमेंट जोन की संख्या, 244 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। उत्तरी दिल्ली में सबसे ज्यादा 36 जोन। कोरोना से दिल्ली पुलिस के एएसआई की मौत, बेटा भी पॉजिटिव। संक्रमण के चलते अब तक दिल्ली पुलिस के 6 जवानों की जा चुकी है जान। देश में बढ़ते कोरोना संकट पर राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार को घेरा। ट्वीट में लिखा, भारत एक गलत रेस जीतने के रास्ते पर है। अहंकार और अक्षमता के घातक मिश्रण के परिणाम स्वरूप एक भयावह त्रासदी। यूपी में बीते 24 घंटे में 536 नए केस, अब तक 365 की मौत। कोरोना के खतरे के मद्देनजर पंजाब में वीकेंड पर लागू रहेगा लॉकडाउन। छुट्टी के दिन भी होगा लॉकडाउन, केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को बाहर निकलने की छूट। मध्य प्रदेश में 15 जून से फिर से खुलेंगे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। कोरोना खतरे के मद्देनजर सैलानियों को बरतनी होगी खास सावधानी। अमृतसर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते पुलिस ने कर्फ्यू तोड़ने वालों के काटे चालान। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक शहर में लगा है कर्फ्यू। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर किन्नरों ने आम लोगों को पढ़ाया सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ। ताली बजाकर करते हैं जागरूक। बैतूल के क्वारंटीन सेंटर में संदिग्ध युवक की मौत। लॉकडाउन में गोवा से लौटा था गांव। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले जारी है सियासी घमासान। जयपुर में शक्ति विलास रिजॉर्ट से जेडब्ल्यू मैरिट होटल शिफ्ट किए गए कांग्रेसी विधायक। राजस्थान के सियासी घमासान के बीच कांग्रेस में भी उठापटक के संकेत। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर सीएम और डेप्यूटी सीएम के सुर अलग अलग। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना। बोले, जयपुर में सियासी ड्रामे के सूत्रधार खुद मुख्यमंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नीचा दिखाने के लिए गहलोत ने सियासी ड्रामे की लिखी स्क्रिप्ट। पार्टी की आलाकमान और शीर्ष नेतृत्व के नजरों में गिराने के लिए इस ड्रामे की स्क्रिप्ट रची गई।
अलवर में आर्थिक तंगी से पति पत्नी ने दी जान, पति ने पंखे से और पत्नी ने जंगले से लगाई फांसी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला समूह का फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन, लॉकडाउन के चलते नहीं चुका पा रही है लोन। रायसेन में मनरेगा में मजदूरों की जगह मशीनों से प्रधान करा रहे हैं काम, प्रवासी मजदूरों को काम देने की सरकारी मुहिम को झटका। अकोला में स्थानीय मछुआरों का प्रदर्शन, प्रवासी मजदूरों के मछली पकड़ने का कर रहे हैं विरोध। दो बार के नेशनल कराटे चैंपियन कमल देव 11 दिन से गायब, घर वालों ने बालू माफिया पर हत्या करने की आशंका जताई। पन्ना में हैंडपंप से पानी भरने के विवाद में चली गोली, सीने में गोली लगने से एक युवक की मौत। मुरादाबाद में स्कूटी में पीछे बैठे युवक ने स्कूटी चला रहे युवक पर दागी 3 गोलियां, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। धनापुर में एक सड़क को लेकर ग्रामीणों और सेना के जवानों के बीच तनाव, सेना के सड़क बंद करने से नाराज है ग्रामीण। बलरामपुर में हाईवे किनारे मिला कंकाल, मोबाइल पर्स और कागजातों से हुई पहचान, 4 जून से गायब था शख्स। उत्तराखंड के विकास नगर में कोरोना नियम तोड़ने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक, 71 लोगों के काटे चालान, 10 पर केस दर्ज। बंगाल सरकार में मंत्री सुजीत बोस ने कोरोना को दी मात, अस्पताल में फूलों की बारिश के साथ किया विदा। पटना में कोरोना अस्पताल की बड़ी लापरवाही से दर्जनों लोगों पर संक्रमण का खतरा, सैंपल लेने के बाद युवक को छोड़ा, 3 दिन बाद रिपोर्ट आई पॉजिटिव। युवक महाराष्ट्र में सेल्समैन का करता था काम, लॉकडाउन के बाद लौटा था पटना। करौली में पांचवा बांध की नहरों में पानी छोड़ने को लेकर गुर्जर समाज ने बुलाई महापंचायत, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। वर्धमान में सड़क निर्माण में धांधली को लेकर पंचायत के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। गरियाबंद जिले में प्रेमी प्रेमिका की हत्या के आरोप में प्रेमिका के 3 रिश्तेदार गिरफ्तार, प्रेमिका को जबरन पिलाया था जहर, प्रेमी को पीट पीट कर मारा गया। जलगांव में शराब पीने से मना करने पर होटल मालिक की हत्या, शराबियों ने बोतल तोड़कर होटल मालिक की गर्दन काटी। मुजफ्फरपुर के मोहनपुर में शराब की आदि महिला ने हाथ की नस काटी, पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। आसम के करीमगंज में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 2 घायल। रीवा में 1,80,00,000 का गांजा जब्त, ट्रक में नमक की बोरियों में भरा था गांजा, ट्रक ड्राइवर सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। राजौरी के मंजाकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, हल्की मशीन गनों से की फायरिंग, मोर्टार भी दागे। पुंछ के कस्बा सेक्टर में भी पाकिस्तान ने दागे गोले, बार बार सीज फायर का पाकिस्तान कर रहा उल्लंघन। हल्द्वानी में शहीद सूबेदार यमन प्रसाद को दी गई आखिरी विदाई, कुपवाड़ा में हुए थे शहीद। लुधियाना में स्कूल बंद होने से एंड्रॉयड फोन और टैब की बिक्री में उछाल, ऑनलाइन क्लास के लिए पेरेंट्स कर रहे हैं खरीदारी। उत्तरकाशी के ग्रामीण इलाकों में मोबाइल के खराब नेटवर्क से छात्र परेशान, ऑनलाइन क्लास में नहीं हो पा रही है पढ़ाई। दुर्गापुर में ग्रेफाइटर इंडिया लिमिटेड में श्रमिकों के हक को लेकर तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। औरंगाबाद में सत्यघोष सेना की जिला अध्यक्ष ने महाराष्ट्र के मंत्री सुभाष देसाई की कार के आगे कूदकर जान देने की कोशिश की, जिले में थर्मोकोल कंपनी बंद करने की मांग। रायगढ़ में स्टील प्लांट की टंकी फटी, 4 मजदूर घायल। वडोदरा में 13 साल के बच्चे का कमाल, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर ड्रोन बनाया। भुवनेश्वर में त्योहार से पहले बाजार में खरीदारी की उमड़ी भीड़, नगर निगम ने पूरा बाजार सील किया। इंदौर में खुदरा बाजार खुले लेकिन सेल नहीं होने से दुकानदार निराश। गुरुग्राम में एसी की बिक्री पर कोरोना का असर, लोग इस साल एसी की कम कर रहे खरीदारी। दिल्ली के बाजारों पर भी लॉकडाउन और कोरोना का असर, एसी कूलर की बिक्री गिरी। समस्तीपुर के डीआरएम ने 16 रेलकर्मी कोरोना वायरस को किया सम्मानित, मेडिकल से लेकर खाना पहुंचाने की निभाई थी भूमिका। बस्ती में कलयुगी मां ने 2.5 महीने की बच्ची को सड़क किनारे गड्ढे में फेंका, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। इंदौर के एमटीएम अस्पताल के बाहर परिजनों का हंगामा, कोरोना मरीज की मौत के बाद उसका पर्स, मोबाइल, पैसे चोरी होने से नाराज। औरंगाबाद पुलिस ने कुख्यात महिला नक्सली पुष्पा समेत 2 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार, ऑपरेशन में शामिल पुलिस को प्रशासन करेगा सम्मान। भरतपुर में जेल कर्मचारियों और क्रिमिनल के नेक्सस का भंडाफोड़, 20,000 में हत्या के आरोपी कैदी को उपलब्ध कराया मोबाइल। त्रिपुरा में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी जाने पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल।
पंढरपुर में ऐतिहासिक तुकाराम महाराज की पालकी का प्रस्थान, इस बार सिर्फ 50 लोग पालकी के साथ, पहले जुटती थी लाखों की भीड़। नहर में आंधी तूफान में मचाई तबाही, कई घरों को नुकसान, एक की मौत। राजस्थान के जालौर में अचानक बदला मौसम, बाजरे की फसल को भारी नुकसान। गढ़वाल के जंगलों में लगी है भीषण आग, रिहायशी इलाकों में जानमाल का बढ़ा खतरा। असम के उदालगुड़ी जिले में क्वारंटीन सेंटर में लगाई आग, सेंटर में शिफ्ट किए गए लोग इधर उधर टहलने से मना करने से थे नाराज। राजस्थान से मध्य प्रदेश के राजगढ़ पहुंचा टिड्डी दल, पेड़ों और फसलों को भारी नुकसान, प्रशासन टिड्डियों को भगाने में जुटा। जेसीबी ने सैकड़ों मजदूरों को नौकरी से निकाला, कर्मचारियों ने सड़क पर खड़े होकर कंपनी से लगाई रोजी रोटी की गुहार। रोहतक की पीजीआई में कोरोना से अब तक 15 लोगों की मौत, शव लेने नहीं पहुंचे किसी के परिजन। कानपुर में बढ़ते संक्रमण के बीच भी लोग